कोरोना जैसी महामारी के बाद अब देश में फैल रही बर्ड फ्लू नाम की बीमारी ने लोगों में दहशत फैला दी है, जिसके चलते प्रशासन भी हरकत में आ गया। वो लोगों को इससे बचने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है ताकि कोई इंसान इसकी चपेट में ना आ पाए। यह बर्ड फ्लू की बीमारी अभी तक जिला पठानकोट में सामने नहीं आई थी, पर आज पठानकोट के हल्का भोवा में पड़ते बॉर्डर एरिया बमियाल में उस समय लोगों में दहशत फैल गई जब अचानक कुछ कौवे तड़प तड़प कर दम तोड़ने लगे। जैसे ही लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग व पशु विभाग को दी, जिसके चलते तुरंत वन विभाग की टीम व पशु विभाग की टीम मौके पर पहुंची व आकर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि दो कौवों की मौत हो चुकी थी, जिसके सैंपल विभाग अपने साथ जांच के लिए साथ ले गई है। फिलहाल गांव वालों में दहशत बनी हुई है कि कहीं इनकी मौत का कारण बर्ड फ्लू तो नहीं। गांव वासियों ने बताया कि जैसे ही उन्हें पता चला कि कुछ कौवे तड़प तड़प कर मर रहे हैं तो उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी विभाग व मीडिया को दी, जिसके चलते विभाग इनके विसरे के सैंपल साथ ले गए। नेशनल रीडिंग के लिए पठानकोट से अशोक कुमार की रिपोर्ट। हां जी भाई, की नाम थोड़ा? हां जी कुलजीत सिंह जी। हां जी, की देखा तुसी? मैं देखो जी पट्ठे भर के आ रहा सीगा, ते रास्ते जी देखा जी कां बहुत चला रहे सीगे, ते दो कां देखे मैं तड़फ रहे सीगे, तीसरा वो पिछली साइड देखा सीगा, ते पता नहीं वो वाला इधर नु उड के आ गया, वो भी तड़फ रहा सीगा, ते वो दिखाई नहीं देता, ते आही दो ही मिले आ। ते मैं पत्रकार नु फोन किया सीगा मुंडे नु, ते उन्होंने तुहानू बुलाया, ते अज तुसी देख लो, पता नहीं हो सकता बर्ड फ्लू का खतरा बहुत फैल रहा, इस कारण मैं फोन करना ज़्यादा जरूरी समझा, तो अगे पता नहीं हूँ कि मर गए ने, वो हम तुम देख सकते हो। ठीक है सर।